नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे साइकेट्री का चैप्टर नंबर सेकंड, जो है प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, बिना टाइप किए फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्विक रिविजन प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियो जो अभी चल रहे हैं वो सारे मिल जाएंगे। बात कर रहे हैं डेफिनेशंस की, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज डील विद द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पर्सन बोथ इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी। मतलब क्या होता है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग डील विथ प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या करती है कि मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है। मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य को क्या करती है, प्रमोट करती है। प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, अगर कोई व्यक्ति मेंटली इल है तो उसको प्रिवेंट करती है कौन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और तीसरा केयर, उस मेंटल इल पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। एंड रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन मतलब वापस उसी दिशा के अंदर लेकर के आती है, जिस जो एक्टिविटी वो पहले करता था वह एक्टिविटी वापस कराने की कोशिश करती है। रिहेबिलिटेट मतलब जो एक्टिविटीज़ वो पहले करता था वो वापस करना। ऑफ मेंटल इल पर्सन बोथ इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी और हॉस्पिटल्स के अंदर किसी भी व्यक्ति का मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करती है और रिहेबिलिटेशन का काम करती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर को किन किन आधार पर क्लासिफाई किया गया है, यानी कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम। बाय क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन होते हैं उनको हम कैटेगरीज के अंदर बांट सकते हैं। साथ के साथ अगर आप नोट्स लिखते रहेंगे तो आई थिंक दिस इज़ बेटर फॉर यू। ठीक है, आपको इजीली समझ में आएगा, इजी तरीके के नोट्स हैं। आई नो आपके पास नोट्स होंगे अलग अलग टाइप के, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अभी तक नोट्स भी नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ से ICD-10, इसमें क्या होता है, तीन क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, ICD-10, DSM और दूसरा इंडियन। आई थिंक इंडियन आपके लिए न्यू होगा। ICD-10 के अनुसार ICD-10 की डेफिनेशन होती है, फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है भाई, ICD-10 किसने दिया, गिवन बाय WHO एंड ऑल डिजीज आर प्लेस्ड इन थर्ड वॉल्यूम। सब की सब डिजीज थर्ड वॉल्यूम में रखी गई है, यानी किताब समझ लेते हैं हम, तीसरी किताब थर्ड वॉल्यूम, ना वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकेंड वॉल्यूम थर्ड। ICD-10 किसने दिया, WHO ने दिया। क्या फुल फॉर्म होती है ICD-10 की, कि इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। क्या, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है सर, चैप्टर कितने इसके अंदर, चैप्टर है 22, कितने चैप्टर हैं 22। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर 22 तो चैप्टर है, तो साइकेट्रिक का कौन सा नंबर आएगा। साइकेट्रिक आती है फिफ्थ नंबर पे, साइकेट्रिक आती है फिफ्थ नंबर पे। होता ऐसा है कि हमने इसको ए से लेकर के जेड तक अल्फ़ाबेट में डिवाइड किया है, हमने मतलब WHO ने ए से जेड में डिवाइड किया है, जिसमें साइकेट्रिक का नंबर आता है एफ। कैसा आता है एफ, फुल फॉर्म क्या थी भाई ICD-10 की, बोलो, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफ सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, साथ के साथ याद होनी चाहिए आपको। चैप्टर नंबर चलते हैं फिफ्थ, साइकेट्री का अल्फ़ाबेट में कौन सा अल्फ़ाबेट होगा साहब, एफ। और ये चलती है अपनी F00 से F99 तक चलती है। ठीक है, देखो F00 से F09, इसमें कुछ डिजीज आपको ये याद करना है ICD-10। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक्स नहीं होती, आपको सिर्फ रटना पड़ेगा। F00 से F09 इसमें आते हैं ऑर्गेनिक और सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर। F10 से F19 के अंदर आते हैं मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज। F20 to F29 सिजोफ्रेनिया डिल्यूजन। F30 से F39 मूड और अफेक्ट। F40 से F49 न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। F50 to F59
बिहेवियरल सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ फिजियोलॉजिकली डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर, F60 to F69 डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, F70 to 79 मेंटल रिटार्डेशन MR, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MR का भी, और MR चाइल्ड पीडिया में भी सबसे शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहाँ से, F80 to F89 डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारे के सारे आपके हो गए ICD-10 के अनुसार क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है F90 to F98 बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर, F99 अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर। अब सर कैसे याद करें, तो भैया ये एक ICD-10 का ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको रटना होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, पूरी साइकेट्रिक मैं आपको रटवाऊंगा उसकी गारंटी है। ICD-10 आपको रोज़ ये क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, 30 दिन है, आई थिंक 30 दिन में अगर रोज़ पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं DSM क्लासिफिकेशन की। DSM की फुल फॉर्म होती है डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्या होती है डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर? अब मुझे बताओ ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ICDS किसने दिया था साहब? WHO ने दिया था। चैप्टर साहब 10, अल्फ़ाबेट में नंबर F कितने होते हैं साहब? F00 से F99। ठीक है, नेक्स्ट आउट। DSM किसने दिया? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, APA, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है इंडियन क्लासिफिकेशन, ये आपके लिए न्यू है, देखो जरा इसको। इंडियन में मैंने 3 में डिवाइड किया है, साइकोसिस, न्यूरोसिस, अदर। साइकोसिस मतलब होता है ऐसे पेशेंट जिनमें इनसाइट अब्सेंट रहती है। इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने अंदर की सब चीज़ें जानता हो, वो व्यक्ति जानता हो कि मैं पागल हूँ, वो उस व्यक्ति को अगर आप बोलोगे आप पागल हो गए तो वो मानेगा। जिसमें इनसाइट होगी वो तो मानेगा, जिसमें नहीं होगी वो नहीं मानेगा। ठीक है, तो साइकोसिस दो होते हैं, एक तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, मतलब ऐसे पेशेंट जिनको आप कितनी भी बार बोल दो आप पागल हो, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं पागल हूँ, वो कहेगा नहीं आपका ये भ्रम है। ठीक है, न्यूरोसिस वाले को अगर आप बोलोगे कि साहब आप पागल हो, उसमें इनसाइट प्रेजेंट रहेगी, वो बोलेगा हाँ मुझे खुद को भी पता है, आजकल मेरा थोड़ा थोड़ा IQ लेवल कम होने लग गया। ठीक है, समझ में आ रहा भाई? नेक्स्ट देखो, साइकोसिस दो भागों में डिवाइड करती है, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी दो टाइप की होती है, फंक्शनल और OBD, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम इस डिजीज को जब पढ़ेंगे OBD, थोड़ा दिन का हुआ रही है, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, उसके बाद जब डिजीज पोर्शन शुरू होगी, जब ECT साइकोथेरेपी डिजीज होगी, तो आप बहुत ही ज़्यादा फील अच्छा करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कहते हैं ना दुख के जीवन के बाद सुख के दिन आते हैं। ठीक है, तो थोड़े से टफ टॉपिक है, टफ मतलब है कि थोड़ा थ्योरी पोर्शन है, बाकी मज़ेदार टॉपिक आ गए हैं। ठीक है, पर ये क्वेश्चन पढ़ना तो पड़ेगा, ICD-10 क्वेश्चन फिक्स है, उसके बाद में स्टैंडर्ड पढ़ेंगे वो फिक्स है, मतलब जो हम पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन एज इट इज फिक्स है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देखो फंक्शनल में होगा सिजोफेनिया और प्रोग्नोसिस और सिजोफेनिया और ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में होगा डिमेंशिया और डिलीरियम। क्या होता है डिमेंशिया और डिलीरियम? ठीक है, डिमेंशिया एक मेमोरी लॉस होता है और डिलीरियम मतलब होता है क्लाउडनेस इन आइडियाज, मतलब आइडिया में कुछ धुंधलापन आना, आगे हम सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज, प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज में दो प्रकार में डिवाइड है, सिजोफेनिया और मेनिया। ठीक है, फंक्शनल में भी सिजोफेनिया है और प्रोग्नोसिस में भी सिजोफेनिया और मेनिया। मेनिया क्या होती है? एक्सेसिव हैप्पीनेस विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के व्यक्ति बार बार अगर हंसता रहता है, डिजीज इज नोन एज मेनिया। ठीक है, और डिप्रेशन इसमें दो आएंगे, ठीक है ना, मेनिया और डिप्रेशन दोनों आएंगे। और मेनिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है आपकी लिथियम। ठीक है, और लिथियम वाज इन्वेंटेड इन 1949। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ न्यूरोसिस, साइकोसिस हो गया, अब न्यूरोसिस। न्यूरोसिस मतलब ऐसे लोग जिनमें इनसाइट प्रेजेंट रहेगी, अगर आप उनको बोलोगे कि आप पागल हो तो वो मान लेंगे, जैसे एंजाइटी, फोबिया,
ओसीडी, ऑब्सेसिव एंड क्लासिकल, ऑब्सेसिव एंड, ठीक है, ओसीडी, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव मतलब क्या होता है, बार बार उसको पेशेंट को थिंकिंग आएगी, बार बार वो सोचेगा, और जैसे जैसे उसको सोच आएगी वैसे वैसे कंपल्सिएट करेगा। कंपल्सिएट मतलब क्या होता है, बार 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 जाके वो काम करेगा, एक्शन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोमेटोफॉर्म डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, अगला स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। कुछ अदर और डिसऑर्डर होते हैं जैसे ईटिंग डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, स्लिप डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और चाइल्ड डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब बात यह है कि अगर आप इंडियन क्लासिफिकेशन याद नहीं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज, और अगर आप याद रख पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पर ICD-10 का क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, याद नहीं बल्कि उसको पूरा रट लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ट्राई करते हैं अच्छी तरीके से समझने में, इजी लैंग्वेज में। फर्स्ट पॉइंट है कि पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज ही सी इज, मतलब होता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल अपना ये रहेगा, प्रिंसिपल मतलब अपने नर्सिंग में मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सिद्धांत ये है कि जैसा पेशेंट आपके पास में आया है यू शुड हैव टू एक्सेप्ट दिस पेशेंट, जो पेशेंट आपके साथ पास में आया है आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे आप अगर सोचो कि कोई पेशेंट मेरे पास में क्लीन होकर आए, ना के आए, ठीक है, अच्छा फेयर एंड हैंडसम लगा कर आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर उसके फटे पुराने कपड़े हैं, अगर उसके मुंह से लार आ रही है, अगर उसने मान लो 2 सालों से स्नान नहीं की है, अगर आपके पास पेशेंट आया तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी है। समझ में आई बात, फर्स्ट क्या रोल होगा आपका, फर्स्ट क्या प्रिंसिपल होगा कि साहब एक्सेप्ट द पेशेंट एग्जैक्टली मतलब ठीक उसी प्रकार के जैसे वह आया, जैसा वह है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस मीन्स बींग नॉन जजमेंटल, एक्सेप्टेंस कन्वे द फीलिंग ऑफ बींग लव्ड एंड केयर। देखो क्यों, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है, स्वीकार करने का मतलब होता है कि आप उसके साथ नॉन जजमेंटल हो। अगर मान लो आपने के शादी होने वाली, ठीक है, आपके घरवाले आपके लिए कोई सुंदर सी कन्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अब सपोज कन्या ढूंढी और आपने उसको एक्सेप्ट कर ली, इसका मतलब क्या हो गया, आप उसके लिए लड़की के लिए नॉन जजमेंटल हो गए, मतलब आपको कोई परेशानी दिक्कत उस लड़की से अब नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब उस एक्सेप्टेंस की वजह से उस लड़की को ये लगेगा कि अगर इसने मुझे एक्सेप्ट किया है इसका मतलब है कि यह कभी हमें दुख नहीं पहुंचाएगा, कभी हमारे साथ मारपीट नहीं करेगा, कभी दहेज का मुकदमा नहीं लगाएगा, मतलब सॉरी दहेज के लिए मुकदमा क्या, दहेज के लिए पड़ता पीड़ित नहीं करेगा, ठीक है, कभी हमारे साथ में हमारे घर वालों को गाली गलौच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसने हमें एक्सेप्ट किया, यह हमें सम्मानपूर्वक रखेगा। ये भावना कब आएगी, जब आप उसे एक्सेप्ट करोगे। इसी प्रकार जब आप साइकेट्रिक पेशेंट को एक्सेप्ट करते हो, हम कहते हैं माना कि हम पागल है, पागल मतलब उसका थोड़ा सा माइंड IQ लेवल कम है, तो अगर आपने पेशेंट को एक्सेप्ट किया तो उसको ये लगेगा हाँ भाई ये नर्सिंग स्टाफ है, जो भी है ये मुझसे प्यार करते हैं, मुझे अच्छी तरीके से रखेंगे, मेरी केयर करेंगे। और अगर आपने उससे पहले ही ऐसी बात कर ली कि ऐसे कैसे आ रहा, मुँह धोके नहीं है, ऐसे कैसे मैं इसको नहीं रख सकता, इसका मतलब हो गया कि उसका आपके प्रति जो नज़रिया वो बदल जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन्स कंप्लीट परमिसिवनेस, एक्सेप्ट किया अगर आपने किसी चीज़ को तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे पूरी तरह छूट दे दो। जैसे एग्जाम्पल उसी पत्नी का लेते हैं, आपने उसको एक्सेप्ट किया इसका मतलब ये नहीं उसे सिर पर चढ़ा के रखो, उसकी हर बात मानो, है ना, ऐसा नहीं होता। कंप्लीट परमिसिवनेस नहीं देनी है, कंप्लीट छूट आपको नहीं देनी है कि उसने कहा आज मैं माइके जाऊँगी, हाँ चली जा, आज मुझे 5,000 की घड़ी लेनी ये ले ले, नहीं। अगर जो चीज़ वाजिब है, जो चीज़ सही है, उसके लिए परमिशन आप देनी है। अगर आपने साइकेट्रिक पेशेंट को अगर आपने अपना लिया, साइकेट्रिक पेशेंट को आपने एडमिट कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसकी हर डिमांड नहीं माननी है, हाँ थोड़ा सा डरा के भी रखना है, थोड़ा सा प्यार से भी रखना है, ठीक है। बट सेटिंग ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर टू कन्वे हिम रेस्पेक्ट एन इंडिविजुअल ह्यूमन बींग, उसको आपको ऐसे रखना है जैसे आप नॉर्मल ह्यूमन बींग को किस प्रकार के रखते और उसे रेस्पेक्ट देते हो। नॉर्मल पेशेंट को हम किस प्रकार से रेस्पेक्ट देते हैं, उसी प्रकार से ठीक उसको भी रखना है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हुआ था कि पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली ही इज, जैसा पेशेंट है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, एक्सेप्टेंस मीन्स अगर आपने उसे एक्सेप्ट किया इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी को भी एक्सेप्ट करते हो उसका मतलब क्या होता है, बींग नॉन जजमेंटल,
आप उसके साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करोगे, हमेशा उसके साथ न्याय करोगे। बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन पेशेंट, आप उस पेशेंट के अंदर इंटरेस्टेड रहोगे। इंटरेस्टेड मतलब होता है उसके हर काम में आप भागीदार बनोगे, हर सही काम है, ठीक है ना, उसको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाओगे। टॉकिंग विद पर्पस, और उस पेशेंट के साथ में जैसा कोई पर्पस होगा, जैसा कोई काम होगा, उसके साथ आप बातचीत करोगे। और जो चीज़ पसंद होता है, जो आदमी पसंद होता है, उसके साथ बातचीत करते नहीं करते रहे वैसे ही, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज ए थेरेपेटिक टूल। हम अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग काम में लेंगे, थेरेपेटिक टूल मतलब अगर हम किसी साइकेट्रिक पेशेंट का इलाज करेंगे तो हम अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग काम में लेंगे, अपनी खुद की सोच को हम काम में लेंगे, अपने खुद के विचारों को काम में लेंगे। ए साइकेट्रिक नर्स शुड हैव ए रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट एंड शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज वन साउंड फीलिंग एटीट्यूड एंड रेस्पॉन्सेज। मतलब होता है एक साइकेटिक नर्स की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने वाली पेशेंट के भावनाओं को समझें, उसके फीलिंग्स को समझें, ठीक है, उसके एटीट्यूड को समझें, उसके रेस्पॉन्स को समझें और उसके हिसाब से अपना फैसला लें। जैसे अगर एक सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है तो उससे बातचीत करें कि भाई क्या रीज़न रहा होगा, उसको पागल होने का रीज़न क्या है, पत्नी परेशान करती थी, पड़ोसी परेशान करते थे, जॉब नहीं लगी, बेरोजगारी, क्या कुछ हुआ। अगर हम उसकी भावनाओं को समझेंगे, उसके एटीट्यूड को समझेंगे और अपनी समझ काम में लेकर उसका इलाज करेंगे। अगर एक पेशेंट है जो आप उससे बातचीत करना चाह रहे हो पर वो अगर आपको बार बार नकार रहा है, आपको बोल रहा है भाई यहाँ से दूर चले जा, यहाँ से दूर चला जा, कभी कभी आपको गाली गलौज भी कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप एंगर में कुछ भी फैसला ले लो, नहीं, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग काम में लेकर के उसकी फीलिंग्स को, उसके एटीट्यूड को समझना है कि भाई ये आदमी ऐसा कर क्यों रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ठीक है, समझ में आया। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, कंसिस्टेंसी इज यूज्ड टू कंट्रीब्यूट द पेशेंट सिक्योरिटी। मतलब होता है कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, निरंतरता, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज यूज्ड टू कंट्रीब्यूट द पेशेंट सिक्योरिटी। मान लीजिए अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, अगर किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है, अब मान लीजिए अगर उसमें एक दिन कोई एक नर्स जा रही है, दूसरे दिन कोई दूसरी नर्स जा रही है, ठीक है, तीसरा दिन कोई नर्सिंग स्टाफ जा रहा है, तो क्या होगा अगर उसको रोज़ रोज़ अलग अलग कमरे में डाल रहे हैं, कभी उसको 6 बजे खाना दे रहे हैं, कभी 8 बजे दे रहे हैं, कभी 10 बजे दे रहे हैं, अगर हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है, भाई छोटा बच्चा होता है, अगर उसके साथ में 6-7 दिन कोई आदमी रहता है तो 6-7 दिन बाद में वो बच्चा उस आदमी से बोलने लगता है, उस बच्चे को उस आदमी से डर खुल जाता है कि भाई नहीं, ये आदमी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक उसी प्रकार एक साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, उनको भी ये मन में डर रहता है कि सामने वाला मुझे हार्म पहुंचा सकता है। अगर आप 6-7 दिन उसके साथ में रहोगे तो उसको लगेगा नहीं भाई ये आदमी जो है मैं अपनी बात इसको बता सकता हूँ, अपनी बात इसको शेयर कर सकता हूँ। अब रोज़ रोज़ नए नए स्टाफ आए तो उसको डर रहेगा, इसलिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, नियंत्रता ज़रूरी है, ठीक है, रूटीन ज़रूरी है। दिस मीन्स दैट देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन द एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ, और जो स्टाफ है उसके एटीट्यूड में भी कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आपने उससे पहले दिन प्यार से बात की है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आप उसके साथ प्यार से बात करें, ठीक है, उसके साथ किसी प्रकार का छल दिखावा नहीं करें, क्योंकि उसको आपका एटीट्यूड समझ में आएगा कि भाई नहीं ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ठीक है। वार्ड रूटीन, और वार्ड का जो रूटीन है उसको कितने बजे खाना दिलाना है, कितने बजे उसको नहाना है, जो भी कुछ प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलना चाहिए सेम टाइम पे। अगर भाई आपकी 9 बजे कॉलेज टाइम होता है, 8 बजे कॉलेज टाइम होता है, आपको पता है कि भाई कॉलेज 8 बजे जाना है, तो आपकी कंसिस्टेंसी बराबर है, आप उस हिसाब से काम करते हो। भाई अगर रेगुलर इरेगुलर है, कभी 6 बजे लगे, कभी 9 बजे लगे, तो आप खुद परेशान नहीं होते, तो वो तो साइकेट्रिक पेशेंट है, उसको तो परेशान होना ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन द डेफिनेटिंग द लिमिटेशन प्लेस इन द टाइम। आपने जिस आदमी को जिस स्थान में रखा है उस स्थान में वो हैबिचुअल हो जाएगा, उस कमरे का रंग से, उस कमरे के खिड़की दरवाजे से, ठीक है, क्योंकि उसका काम यही रहता है, खिड़की दरवाज़ा देखना, ऊपर की छत देखना, ठीक है, आंगन देखना, वो पलंग देखना, और उसमें वो अपना कहता है पूरा संसार बसा लेता है उस एक कमरे में। अगर आप रोज़ उसके कमरे को चेंज करोगे, मतलब उसके संसार को चेंज करोगे, तो वो सोचेगा किस ब्रह्मांड के किस दुनिया में आ गए, है ना। इसलिए अगर आपको ब्रह्मांड में भेज दें तो आप भी पागल की तरह घूमेंगे, तो वो तो एक साइकेट्रिक पेशेंट है। आई थिंक आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा कि पेशेंट जिस स्थिति के अंदर है
हमें उस स्थिति में उस पेशेंट को एक्सेप्ट करना है। सेकेंड पॉइंट है यूज अंडरस्टैंडिंग थेरेपेटिक टूल्स, हमें अपनी खुद की सोच को काम में लेना, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग काम में लेनी है। जब पेशेंट से बात करते हैं पेशेंट के एटीट्यूड को समझने के लिए, फीलिंग समझने के लिए, रेस्पॉन्स समझने के लिए। तीसरी मैंने बताई आपको कंसिस्टेंसी जरूरी, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, रेगुलरिटी जरूरी है, ठीक है, अगर स्टाफ हो चाहे रूटीन हो चाहे कोई टाइम हो। तीसरा देखिए रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन ए माइन्यूट एंड एक्सेप्टेंस मैनर। अगर आप रीअश्योरेंस दे रहे हो, अगर किसी चीज़ का हमें पता है कि देखो झूठा दिलासा हमें नहीं दिलाना है, ठीक है, झूठा दिलासा हमें नहीं दिलाना है, पर नॉर्मल पेशेंट को हम झूठा दिलासा नहीं दिलाते हैं, पर हाँ कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उस पेशेंट को हम बता नहीं सकते, क्योंकि अगर हम सच्चाई बताने पे उस पेशेंट की बीमारी थोड़ी स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाती है। तो अपनी ये प्रायोरिटी रहती है कि हम झूठ नहीं छुपाना है पर झूठा आश्वासन भी नहीं देना। क्या होता है कि जैसे बच्चा होता है, ये बच्चे को हम बच्चे को बोलते हैं कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ यार आज आ चीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आपने अगर उसको एश्योर किया तो वो शाम तक वेट करेगा, और अगर आप फिर नहीं लेके आएंगे तो फिर आप उसका आप पर भरोसा उठ जाएगा कि भाई नहीं यार ये नहीं जो बोलते वो कभी करते ही नहीं है। उसे पता नहीं है सिचुएशन क्या होती है, टाइम मिला नहीं मिला, बिजी था, बच्चा कुछ नहीं समझ पाएगा, बस ये समझेगा जो इन्होंने बोला वो ये नहीं कर पाए, ठीक है। आप सब ने पीडीएम में पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से, ज़्यादा एक्सेप्ट उसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है कि अगर आप झूठा आश्वासन देते हो, हाँ देना पड़ता है साइकेट्रिक पेशेंट को आश्वासन देना पड़ता है, ठीक है, कि भाई नहीं साइकेट्रिक पेशेंट की हरकतों के अनुसार हम आश्वासन देते हैं, पर आपको आश्वासन है शुड बी गिवन इन ए माइन्यूट, आपको सूक्ष्म देना, सूक्ष्म मतलब ज़्यादा ज़्यादा नहीं फेंकनी है ना, फेंको तो ही फेंकनी, कितनी थोड़ी कैच हो उतनी, इतनी नहीं फेंकनी है कि वो लपेट भी नहीं सके, समझ में आया। और एक्सेप्टेंस मैनर ऐसी फेंकनी है कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले, समझ में आ गई। रीअश्योरेंस इज ए बिल्डिंग पेशेंट्स कॉन्फिडेंस, और रीअश्योरेंस क्या करता है पेशेंट के कॉन्फिडेंस को बनाता है। अगर आपने उसके आश्वासन दिया तो उसका कॉन्फिडेंस बनेगा। जैसे मैं आपको आश्वासन करता हूँ कि यार अगर आप मेरे साथ रहोगे, अगर आप मेरे साथ एक महीने तो नहीं 20 दिन में साइकेट्रिक हो जाएगी, तो 20-25 दिन अगर मेरे साथ आप रहोगे तो साइकेट्रिक पी डी और एमएसएन में आपका कंप्लीट करवा दूंगा, तो भी मैंने आश्वासन दिया, इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, आपके मन में एक आशा की नई किरण आएगी, जिस साइकेट्रिक से आपको डर लगता था, तो साइकेट्रिक आपको इतने दिन समझ में नहीं आ रही थी, अब आपको लगता है नहीं कहीं ना कहीं यार ये आदमी हमारी साइकेट्रिक कंप्लीट करवा देगा, कहीं ना कहीं इसकी वजह से मुझे साइकेट्रिक समझ में आ जाएगी। ये आश्वासन आपके कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रख रहा है। अगर मैं यही फेंकूँ कि यार मैं पीडीएफ भी करवा दूंगा, साथ साथ में सेकेंड ईयर के सारे सिलेबस करवा दूंगा, फर्स्ट ईयर के करवा दूंगा, फोर्थ ईयर में, तो ना तो आप कैच कर पाओगे, और अगर कोई करे भी तो उसका मेरे ऊपर जो जो भरोसा है वो उड़ जाएगा, है ना। तो आपको जो मैंने आपको आश्वासन दिया है उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, तो यही कहता है कि रीअश्योरेंस इज बिल्डिंग पेशेंट कॉन्फिडेंस, रीअश्योरेंस पेशेंट के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। नेक्स्ट आओ जल्दी से करते हैं अब, लेक फॉल्स रीअश्योरेंस कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट ए लेक ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट। अगर आपने किसी को फॉल्स रीअश्योरेंस दिया, आपने झूठा आश्वासन दिया है, तो वह कहीं ना कहीं उसके आपका जो इंटरेस्ट है वो टूट जाएगा, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं उसमें इफेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि पेशेंट्स बिहेवियर इज चेंज्ड थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाई एनी रेशनल इंटरप्रिटेशन। अगर साइकेट्रिक पेशेंट है, अगर आपको उसका इमोशन चेंज करना है, उसका मन बदलना है, उससे खुश करना है, तो आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, उसे रेशनल नहीं करना है। रेशनल मतलब उसे जवाब सवाल जवाब नहीं करने, उसे ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, क्योंकि वह साइकेट्रिक पेशेंट है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड योर थिंग्स, वह सिर्फ आपके चेहरे के इमोशंस को देख के समझ पाएगा। एक छोटा बच्चा होता है, ना समझ होता, कुछ नहीं समझ आता उसको, उसे पता ही नहीं है, मान लो 2 साल का बच्चा होता है तो उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, ना तो ज़्यादा वर्ड समझ में आते हैं, ना ज़्यादा बस आपकी भावनाओं को समझ पाता है। अगर आप उसके सामने हंस के जाओगे तो वो समझेगा हाँ सामने वाला अच्छा आदमी है, और अगर आप गुस्सा करके जाओगे और आप कितने दिल के अच्छे हो तो वो ये समझेगा ये सामने वाला बुरा आदमी है। उसी प्रकार एक साइकेट्रिक पेशेंट होता है, तो पेशेंट के बिहेवियर को अगर आपको चेंज करना है तो आपको आपका इमोशनल एक्सपीरियंस काम में लेना है, कोई उससे रेशनल नहीं करना है, ठीक है। मेजर फोकस इन साइकेट्रिक इज़ एन फीलिंग एंड नॉट ऑन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। मतलब बता साइकेट्रिक के अंदर मेनली जो कंपोनेंट जिस पे फोकस करते हैं, मेनली हम किस पे फोकस कर सकते हैं, इमोशंस पे,
साइकेट्रिक के अंदर मेनली पेशेंट्स के इमोशंस को चेंज करने के लिए उसकी फीलिंग पे फोकस करता है, उसकी फीलिंग को चेंज करते हैं, नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। हमें यह नहीं मतलब कि आप में कितना बौद्धिक ज्ञान है, आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना साइकेट्रिक के अंदर आता है, हमें बस उस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि आप उसकी फीलिंग को कैसे चेंज कर पाओगे। ठीक है, एडवाइजिंग और रेशनलाइजिंग विद पेशेंट इज़ नॉट इफेक्टिव इन द चेंजिंग बिहेवियर। अगर आप पेशेंट के साथ में रेशनल करोगे, सवाल जवाब करोगे, आप उसको तर्क दोगे, तो ना तो आपकी तर्क को समझ पाएगा और ना उसका बिहेवियर चेंज होगा। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट समझ में आ गया कि पेशेंट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए आपको इमोशनल एक्सपीरियंस काम में लेना। अगर आपको इमोशनल मतलब क्या होता है, उसे हंसाना है, खिलाना है, बड़े उसके साथ मजे करना है। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ, अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट्स एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट्स एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। अगर बिना किसी रीजन की वजह से पेशेंट बार बार चिंता कर रहा है तो आपको उसको अवॉइड करना है। फॉलोइंग अप्रोचेज में इंक्रीज द पेशेंट एंजाइटी एंड शुड बी देयरफॉर अवॉइड। देखो क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो जाती है जिसकी वजह से साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं वो टेंशन ले लेते हैं। आप सोचोगे यार साइकेट्रिक पेशेंट कैसे टेंशन लेते हैं, उसे ना तो घर की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना उसे और कुछ चिंता, वो तो पागल आदमी है। अगर वो सोइंग नर्स ऑन एंजाइटी, अगर नर्स चिंता में है, जो नर्सिंग स्टाफ वो चिंता में है, अगर डॉक्टर चिंता में है, अगर डॉक्टर गुस्सा में है तो साइकेट्रिक पेशेंट भी गुस्सा में हो जाएगा। अगर डॉक्टर चिंता में है या नर्सिंग स्टाफ चिंता में, अगर उसको लग रही है तो उसे भी चिंता हो जाएगी कि यार ये चिंता क्यों कर रहा है। उसे थोड़ी पता क्या होता घर, क्या परिवार, क्या फैमिली, क्या कुछ संभालना, कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कभी कभी देखा ना आपने, मम्मी रोती है तो छोटा बच्चा भी रोने लग जाता है कि ये क्यों रो रही है। कभी कभी आपने जानवरों में देखा होगा, किसी दुख की वजह से उस जानवर, जैसे कुत्ता है, कुत्ता का मालिक अगर रो रहा है तो कुत्ता भी रोना शुरू हो जाता है, ये क्यों रो रहा है, कोई मेरा मालिक रो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, अगर कोई नर्सिंग स्टाफ गुस्से में है या उसे चिंता में लग रहे हैं तो वो भी चिंता में चला जाता है। इसलिए हमें बिना फालतू ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना है कि सामने वाले को ऐसा लगे। अरे जो पेशेंट होता है ना, जैसे आईसीयू ओटी के अंदर पेशेंट होता है, ठीक है, तब आईसीयू ओटी वाले पेशेंट में क्या होता है कि उसे ऑपरेशन जैसे होना होता है तो उसको टेंशन रहती है कि यार मेरा ऑपरेशन कैसे होगा, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, ज़िंदगी और मौत के बीच खेलता है वो। ठीक है, अगर उस टाइम पे उसका मेनली ध्यान ना तो रिपोर्ट पे होता है, क्योंकि ना तो उसे रिपोर्ट समझ में आती है, ना डॉक्टर की लैंग्वेज समझ में आती है, उसका सिर्फ और ध्यान एक ही रहता है कि डॉक्टर का इमोशन कैसा है। डॉक्टर अगर खुश है, अगर डॉक्टर का मूड ठीक है, इसका मतलब है मेरी सर्जरी सही जा रही है, मैं बचाऊंगा। और अगर डॉक्टर खुद चिंता में लग रहा है तो उसे पता चल जाएगा नहीं नहीं डॉक्टर साहब फेंक रहे हैं, बाकी बात तो अंदर की कुछ और है। समझ गए, पेशेंट के घरवाले क्या समझ पाएंगे रिपोर्ट को, नहीं समझते हैं। ज़्यादातर पेशेंट के घरवाले भी रिपोर्टों को नहीं समझते हैं, वो सिर्फ डॉक्टर के मूड को देखते हैं कि डॉक्टर साहब का मूड कैसा है, नर्सिंग स्टाफ अंदर से जो बाहर है उसका मूड कैसा है। जनरली यही होता है ना, क्या मैं क्या अमेरिका से, आप कहीं यही क्या, इसलिए यही होता है ना जनरली। चलो, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सोइंग अटेंशन टू द पेशेंट डिफिसिट, मेकिंग द पेशेंट फेस टू रिपीटेड फेलियर, प्लेसिंग डिमांड ऑन पेशेंट इन विच ही ऑब्वियसली कैन नॉट मीट। मान लीजिए कि हम पेशेंट के सामने एक ऐसी डिमांड करें कि जो कभी वो पूरी नहीं कर सकता। भाई अगर साइकेट्रिक पेशेंट, हम उसको बोले, अगर हमने मैंने फुटबॉल फेंकी कहीं पर और मैं साइकेट्रिक पेशेंट को बोलूँ जा फुटबॉल लेके आ, मान सकते हैं वो एक फुटबॉल लेकर के आ सकता है। अब साइकेट्रिक पेशेंट है और मैंने उसको बोल दिया जा, सामने चांद दिख रहा है, उस चांद को तोड़ के लेके आ, तो मैंने तो मजाक में बोला, टास्क दे दिया ना, ऐसे ही टास्क दे दिया, अब क्या वो लेके आ पाएगा, नहीं ले सकता। हाँ, प्रयत्न करेगा, प्रयत्न करेगा, उसे थोड़ी पता यार चांद पे हम नहीं जा सकते, आम आदमी नहीं जा सकते। ठीक है भाई, पैसे वाले जा सकते हैं, तो उसे थोड़ी पता भी हम नहीं जा पाएंगे। वो सीढ़ियाँ लगाएगा, सीढ़ियाँ खड़ी करेगा, फिर वो नीचे गिरेगा और फिर वो चिंता में चले जाएगा, यार ये मुझसे टास्क क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब मैं पागल हूँ। ठीक है, इसलिए उसे बिना फालतू के टास्क वगैरह नहीं देना है। बातें समझ में आ रही है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको पॉइंट रट सके, आपको पॉइंट याद हो जाए, इजी लैंग्वेज में आप लिख पाएँ, इसलिए मैं इस पर इतना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स 100% आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब 8 नंबर के जितना, मतलब 8 नंबर का आएगा मतलब आपको लगभग 4 पेज, 4.5 पेज भरना है। और अगर आप उसी अपनी जो
पिछली जैसे पिछले लिखते थे एक एक पॉइंट में लिखोगे तो आप एक पेज भर पाओगे, यानी दो नंबर का कंटेंट लिखोगे, छः नंबर यहीं पे चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए पॉइंट पॉइंट वाइज मैंने लिखे हैं, अंदर थ्योरी डाली है, आई थिंक समझ जाओगे आप। नेक्स्ट देखिए, मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। आपको नर्स और पेशेंट की अच्छी रियलिस्टिक बनानी है। रियलिस्टिक और प्रोफेशनल रिलेशनशिप फोकस अपॉन द पर्सनल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द पेशेंट्स एंड नॉट ऑन द नर्स नीड। अब देखिए, जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनती है, यानी जो हम नर्स और पेशेंट काम करते हैं, रिलेशनशिप बनती है साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, वो किस पे फोकस करती है? पेशेंट के इमोशन पे। पेशेंट का खुद का इमोशन कैसा है, वो किस प्रकार से रखना चाहता है, किस प्रकार से वो बातचीत करना चाहता है, इस पर कभी डिपेंड नहीं करता कि नर्सिंग स्टाफ क्या चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट एक बच्चे की तरह है, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट है, जैसा वो चाहे वैसा हमें रिलेशनशिप रखना है। मतलब मेरी बात को अन्यथा मत लेना, ठीक है ना, नॉर्मल नॉर्मल, ये नहीं आप फ्रेंडशिप कर लें, ये नहीं, यू नो कि हॉस्पिटल के अंदर ना हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, ना किसी से गिफ्ट ले सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, नेक्स्ट, टू मेंटेन प्रोफेशनल रिलेशनशिप द नर्स शुड हैव ए रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड शुड बी एबल टू एम्पथाइज एंड अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ पेशेंट एंड मीनिंग ऑफ द बिहेवियर। आपको उस पेशेंट की भावनाओं को समझना है। मतलब ये है, आपको उस पेशेंट के दिमाग की तरह अपने दिमाग को करके समझना, पेशेंट क्या कहना चाहता है। छोटा बच्चा होता है जब वो लड़खड़ा के बोलता है, स्ट्रमिंग करके बोलता है, या फिर तोता बोलता है, जब हम कहते हैं ना तोता वाला, ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर अगर मान लो कि छोटा बच्चा तुतला के बोलता है, तो हम ऐसा थोड़ी है कि जो वर्ड बोला हम उसी वर्ड को अपने वे में समझ लें, और ऐसा थोड़ी होता है। हमें उस बच्चे की भावना को समझना पड़ता है कि बच्चा इस वर्ड के थ्रू हमें क्या कहना चाहता है। हाँ, अगर उसने कुछ गलत वर्ड भी बोल दिया है अपनी लें, कभी कभी क्या होता है, देखो क्या होता है कि जैसे, अच्छा एक फ़नी बात बता देता हूँ मैं आपको, बीच में याद आ गई मुझे, क्या है ना कि मेरा जो कभी कभी टूर है, बाहर जाता हूँ ना, तो जैसे कर्नाटक वगैरह साउथ साइड में मैं ज़्यादा जाता हूँ, जैसे तमिलनाडु है अपना, केरला है, कर्नाटक है, तो कर्नाटक में क्या हुआ था मेरे साथ में कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थानी लैंग्वेज कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो बाहर की लैंग्वेज उसका मतलब अलग होता है। तो शायद ये कोई वर्ड था जो मैं यहाँ पे बोलते थे, जैसे अपने यहाँ का वर्ड होता ना, कहीं करो ऐसा वैसा, पता नहीं मैं शब्द में भूल गया, ऐसा कोई वर्ड था जिसका वहाँ पे मतलब होता है गाली में, तो मैं तो वहाँ पे बोल रहा हूँ, उनको सबको मतलब जो कर्नाटक साइड में, उनको कन्नड़ लैंग्वेज चलती है। तो मेरे भाई ने बोला, भाई ये वर्ड यूज़ मत किया कर यहाँ पे। मैंने कहा, क्यों भाई, इस वर्ड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो अपना खुद का लैंग्वेज का वर्ड है। मैंने कहा, ये कोई गाली तो है नहीं। बोला, यहाँ पे आपके वहाँ पे गाली नहीं होती है, पर यहाँ साउथ में इसका मतलब होता है गाली होती है। यार मैंने कहा, तो फिर बोला, यहाँ पे ज़्यादा मत बोला कि लोग यहाँ पे पीटने लग जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए पेशेंट की जो आपको बात है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट है तो साइकेट्रिक पेशेंट है, वो अपनी तरफ से जो बात बोलेगा, आपको ज़्यादा माइंड नहीं करके जो पेशेंट क्या कहना चाहता है उस बात को समझना है, पेशेंट की फीलिंग को समझना है, पेशेंट क्या कहना चाहता है उसका सेल्फ कंसेप्ट लगाना, ठीक है। ज़्यादा आप भी इतना फोकस मत करो रे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आठवां, मतलब आप समझ गए क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट आठवां पॉइंट, अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। आपको पेशेंट को किसी भी प्रकार का फिजिकल फोर्स नहीं देना। फिजिकल फोर्स मतलब किसी भी प्रकार का मारपीट उसके साथ नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की हिंसा उसके साथ नहीं करनी है, और किसी भी प्रकार का वर्बल फोर्स, आप उसको गाली गलौज भी नहीं कर सकते, और ना उसको किसी काम करने के लिए आप बार बार फोर्स कर सकते हो कि जा ये काम कर, ऐसा बोल, ऐसा मत बोल, ऐसा डांस कर, ऐसा कर, नहीं, किसी भी प्रकार का हम किसी पेशेंट के साथ में नहीं कर सकते। ऑल मेथड ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी अवॉइडेड। अगर आपको किसी भी टाइप की पनिशमेंट देनी है, उन सबको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आप साइकेट्रिक पेशेंट को किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। इफ़ द नर्स इज एक्सपर्ट इन द प्रिडिक्टिंग द पेशेंट्स बिहेवियर, सी कैन मोस्टली प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ अनडिजरेबल बिहेवियर एंड डिजायरेबल। मतलब क्या होता है कि अगर किसी नर्स को पता है कि ये पेशेंट है, जो हर क्लास के अंदर एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा शैतान होते हैं, न टीचर की कभी बात सुनते हैं, टीचर्स जो नोट्स लिखाते हैं न कभी उन नोट्स को लिखते हैं, पीछे बैठे बैठे टीचर्स पे कमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब रेस्पेक्ट तो करते हैं टीचर की, पर वो चाहते हैं कि भाई हाँ टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट करें, टीचर्स पे कमेंट करें, हर क्लास में होते हैं। इसी प्रकार में साइकेट्रिक पेशेंट भी होते हैं, कोई कोई पेशेंट ज़्यादा उछल कूद करने वाला होता है, तो नर्सिंग स्टाफ को पता हो, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि उसकी ड्यूटी है जो
रेगुलर रहती है, जैसे अगर एक महीना तो वही नर्स रहेगी ताकि उस पेशेंट के साथ हैबिचुअल हो जाए, पेशेंट उसके साथ और वो पेशेंट के साथ में, ठीक है। और आजकल तो भाई ज़्यादा हैबिचुअल नहीं करना, ठीक है, 5-10 दिन में ड्यूटी चेंज करते रहना मेरे हिसाब से। कल मैंने देखा यार एक न्यूज़ पढ़ी जिसके अंदर एक 70 ईयर का आदमी था, 70 ईयर की औरत थी जो 28 साल के लड़के के साथ शादी करके चली गई। अब देख लो 70 ईयर की लेडी, 28 लड़का, कहाँ कुछ उम्र, कहाँ कुछ, कुछ है ही नहीं, साली बायोलॉजी वायोलॉजी सब फेल है इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा आपको भी जैसे जो कोई साइकेटिक पेशेंट के साथ ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है, मजाक है, मजाक में रखें इस बात को। हाँ तो समझ में आया कि सी कैन मोस्टली प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी नर्सिंग स्टाफ को पता है कि भाई ये जो पेशेंट हैं, मतलब प्रिडिक्टिंग मतलब उसको भविष्यवाणी करता, भविष्यवाणी मतलब उसको पहले से पता है कि ये जो पेशेंट है वो ज़्यादा उछल कूद करता है, तो आप उसको रोक सकते हो कि भाई अभी थोड़ी देर चुप रहना, अभी सीनियर साहब आने वाले इसलिए चुप रहना, ठीक है, अभी चुप रहेगा तो मैं आपको तुम्हें गोलियां दिलाऊंगी, ठीक है, तुम्हें सोजस्टी खिलाऊंगी, तुम्हें चिप्स दिलाऊंगी, तो ऐसा उसे बोलना है साइकेटिक पेशेंट को। पनिशमेंट आपको किसी भी टाइप की नहीं देनी है। नेक्स्ट देखो, नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज ए पर्सन एंड नॉट द कंट्रोल ऑफ एनी सिम्टम। अगर आप नर्सिंग केयर दे रहे हो तो उसको किस पे सेंटर्ड रखना है, सेंटर्ड मतलब फोकस किस पे करना है, पेशेंट पे करना है कि जैसे ये एक खाली पर्सन है, एक आदमी है, ये नहीं करना है कि ये एक पागल है, इसमें लक्षण दिख रहे हैं, मुझे लक्षण को सही करना, नहीं, आपका जो केयर होगी वो एक पेशेंट पे होगी, एक नॉर्मल पर्सन की तरह, ठीक है, खत्म होने वाला भाई अब। एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ सिम्टम इज नेसेसरी टू रिलीव देयर रिवेल देयर मीनिंग एंड देयर सिग्निफिकेंस टू द पेशेंट। मतलब होता है कि आपको पेशेंट के सिम्टम को असेस जरूर करना है, उससे आपको ये पता चलेगा कि पेशेंट किस टाइप की बीमारी से सफ़र कर रहा है और क्या क्या इसके फ्यूचर लक्षण आ सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या इस पेशेंट को आवश्यकता है उसके लक्षणों को देख करके। टू पेशेंट शोविंग द सेम सिम्टम मे बी एक्सपीरियंसिंग टू डिफरेंट नीड्स। अगर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति अगर सेम लक्षण शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको सेम बीमारी और एक ही ज़रूरत है, नहीं, अगर दो व्यक्ति हैं, अगर दोनों उछल कूद कर रहे हैं तो आप क्या समझोगे, दो व्यक्ति हैं हंस रहे हैं उछल कूद कर रहे हैं तो आप ये समझोगे क्या कि साहब दोनों ही मेनिया के पेशेंट हैं, नहीं। अगर मान लो मैं आपको एक कंडीशन बताऊं, सिंपल सी कंडीशन है, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति टेबल पे बैठे हैं और आपने दोनों व्यक्ति को बांध के रख दिया, हाथ बांध दिए, क्योंकि वो पागल व्यक्ति को पहले पता था बांध के रखते थे, आपने ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बांध दिया, एक कमरे में कुर्सी पे बैठा दिया, दोनों व्यक्ति बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, मतलब हाथों को हिला रहे हैं, पैरों को हिला रहे हैं, तो अब यह समझोगे दोनों मेनिया के पेशेंट हैं, नहीं, क्या पता एक को खुजली हो रही होगी, है खुजली हो रही होगी तो खुजलाने के लिए हाथों को और पैरों को और मार रहा होगा, अब उसको कौन पे, मान लो अगर उसके कमर पे खुजली हो रही, कौन खुजलाएगा, है ना, इसलिए कूद रहा होगा। तो अगर कोई दो व्यक्ति हैं सेम सिम्टम्स शो कर रहे हैं तो आपको ये कभी नहीं समझना है कि दोनों की ज़रूरत एक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, मेरे क्या है ना थोड़ा। नेक्स्ट देखो, ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड द रूटीन आर गिवन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जिस प्रकार का पेशेंट का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसकी प्रकार की आपको उसको प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। आपका दायित्व बनता है कि आप पेशेंट को बताओ कि साहब हम आपके साथ ऐसा प्रोसीजर करने वाले हैं, पर जितना पेशेंट समझता है ना उसके हिसाब से बताना है। यह नहीं है पेशेंट को समझ नहीं रहा ना, आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वी विल गिव टू यू ईसीटी इन विच वी विल गिव यू पोजिशंस एंड वी विल गिव यू क्या हो क्या बोलते हैं एनेस्थेटिक, ठीक है, वी विल गिव यू एनेस्थेटिक एंड वी विल गिव यू शॉक, ऐसा नहीं बोलना है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा आप क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो। अगर आप उसे बोलोगे ना सब हम आपको करंट के झटके देंगे तो भी उसको नहीं पता चलेगा, वो झटके का नाम सुन के वो भाग जाएगा। इसलिए जितना पेशेंट का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको लगता है न्यूरोसिस का पेशेंट है या हमारी बात को समझ पाएगा तो आपको बोलना है, अगर आपको लगता है साइकोसिस का पेशेंट है नहीं समझ पाएगा, ज़्यादा नाटक करेगा तो आपको ज़्यादा समझाना नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आपके सारे के सारे प्रिंसिपल्स कंप्लीट होते हैं, आई थिंक आपको सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप मेरे साथ साथ रह रहे के हो रहे हो। नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, ध्यान रखना कि रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा,
मत हार के बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप उस मंजिल के मज़े के पास में रहो, मतलब कम से कम हमारा भी मेन मोटो क्या है कि थर्ड ईयर आपकी क्लियर करानी है, बात यही है। देखिए स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो, छप गया क्वेश्चन, सेम मान के चलो छप गया क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या पढ़ना है, क्या सेकंड चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना साहब, बस मेरे हिसाब से जितना पढ़ोगे नया पार है। जब भरोसा कर ही रहे हो तो पूरा करो, क्योंकि 11 महीने आपने अपने स्कूल वालों पे भरोसा किया, सॉरी अपने कॉलेज वालों पे भरोसा किया, आपने अपने खुद के ऊपर भरोसा किया, पिछला बच्चा 1 महीने ही तो है, अब दो मुझे। और मेरे साथ साथ आपको अपने ऊपर भी भरोसा होना चाहिए, यह नहीं है कि मेरे भरोसे बैठे रहो, आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं सब के सब जो पढ़ा रहे हो मैं पढ़ लूँगा, सब के सब रट लूँगा, सब के सब लिख लूँगा, उसका 4-5 बार रिविज़न कर लूँगा, डेफिनेटली मंजिल भी मिलेगी और मिलेगा, मज़ा भी आएगा। द पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ साइकेट्रिक इज़ टू फुलफिल द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। देखो मुझे खुद को भी नहीं आता, मुझे भी लिखना पड़ता है साथ साथ, मेहनत आपकी जितनी करनी पड़ती है मुझे भी। फुलफिल द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ केयर। मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड का, मतलब यह होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है कि इस स्टैंडर्ड बनाने का पर्पस यह है कि साहब साइकेट्रिक के अंदर हमने स्टैंडर्ड इसीलिए बनाए ताकि टू फुलफिल द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, जो हमारे प्रोफेशन के कर्तव्य हैं हम उनको समझ पाएँ, हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, पेशेंट के लिए क्या क्या कर्तव्य हैं, हम अगर उनको समझ पाएँ इसलिए हमने स्टैंडर्ड्स बनाए, और उन कर्तव्यों को समझते हुए हम किसी पेशेंट को एक अच्छी क्वालिटी की केयर प्रोवाइड करें। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि हम साइकेट्रिक के अपने कर्तव्यों को समझें, अपने भूमिकाओं को समझें, और उसको साथ साथ हम अपनी जो केयर दे रहे हैं उस क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। देखिए दे आर टू टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग स्टैंडर्ड, सॉरी दे आर टू टाइप ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, MHN के 2 प्रकार के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं। फर्स्ट देखिए प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, सेकंड वन होता है प्रोफेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। क्या होता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड और क्या होता है प्रोफेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और उनको भी जोड़ा करो, ठीक है, थोड़ा काफ़ी होते हैं ना तो मज़ा आता है बाकी, ठीक है। ये आपका लास्ट बस ख़त्म आई तई, चलो देख लो प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड क्या होते हैं। इसके अंदर 6 हैं थ्योरी, डाटा कलेक्शन, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन। आपने NCP पढ़ी होगी तो वहाँ से आपने पढ़े होंगे, 2 पॉइंट अलग हैं। तो फर्स्ट है थ्योरी। थ्योरी मतलब होता है कि साहब हमें जो थ्योरी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करनी है, जो थ्योरी हमने पढ़ी, जैसे आपने साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़ी, आपने बिहेवियरल थ्योरी पढ़ी, मैं इसमें एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, अंदर क्या लिखना है आपको, इसके अंदर क्या लिखना है वो आपको समझा रहा हूँ कि जो थ्योरी आपने पढ़ी, ठीक है, जैसे आपने साइको एनालिटिक पढ़ी, बिहेवियर पढ़ी, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी, आपने वो भी थ्योरी पढ़ी होगी ना, बिल्ली कैट वाली, क्या नाम उसका, ऑपरेंट कंडीशनल, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, ऑपरेंट थ्योरी, वो सब थ्योरियाँ जो पढ़ी, उस थ्योरी को आपको पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन डाटा कलेक्शन। फिर आपको डाटा कलेक्शन के अंदर आपको लिखना है कि सर हम पेशेंट का डाटा कलेक्ट करेंगे, कैसे, उसके फैमिली से, उसके फ्रेंड से, उसके टीचर से, उसके पड़ोसी से, क्योंकि पड़ोसी सबसे अच्छा डाटा देते हैं, ध्यान रखना, शादी जैसे ही पेशेंट की आजकल पर्सन की शादी करते हैं ना, तो 3 चीज़ें कलेक्ट करना, फर्स्ट वन पड़ोसी की राय लो, सेकेंड वन उसके कॉलेज की फ्रेंड की राय लो, थर्ड वन उसके मोबाइल की राय लो, ठीक है ना, क्योंकि सारा डाटा उसी में, सब में, इन तीनों में डाटा है, पड़ोसी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, फ्रेंड कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जो बात होगी पड़ोसी खुल खुल के कहेंगे, जितने नहीं कहने होंगे उतने भी कहेंगे, कभी कभी तो मिक्सर में कहते हैं, फ्रेंड भी ऐसे होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो डाटा कलेक्शन हो गया कंप्लीट, आपको उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी पास्ट लाइफ हिस्ट्री सारा आपको कलेक्ट करना है, क्या क्या रिपोर्ट है, पहले कब सिम्टम आया, कैसा सिम्टम आया, जब मैं आपको ECT पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, क्या उसकी ECT की शुरुआत देखोगे ना, बहुत शानदार शुरुआत हुई ECT की, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको मिलेंगे आप सोच नहीं पाओगे कि यार ये भी हुआ था क्या। नेक्स्ट देखो डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर क्या करना, आपको पता करना है कि सब लक्षणों के आधार पर कौन सी बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट वन प्लानिंग,
फिर आपको बीमारी के अनुसार प्लानिंग करनी है, पैसे कैसी पोजिशन देनी है, कैसे कैसे आपको उसको सलाह देनी है, क्या क्या उसको खाने पीने में देना है, सब कुछ आपको प्लानिंग करनी है। फिर इंटरवेंशन जो आपने प्लानिंग की उसको आपको अप्लाई करनी है और फिर इवाल्युएट करना है। आप एनसीपी के अंदर लिखना जानते हो ये सब चीज़ें, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप सबको पता है। नेक्स्ट देख लो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इसके अंदर क्या होता है कि सेवन्थ पीयर रिव्यू, आपको उसके जो पीयर मतलब क्या होता है, समकक्ष, समकक्ष मतलब समझे कहते ना पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप मतलब जिस एज के अंदर पेशेंट है उस एज के लोगों का रिव्यू लेना है कि साहब इस एज के अंदर आपके अंदर क्या ये बदलाव हुए कि आपके अंदर ये लक्षण दिखे। जैसे मेनोपॉज के बाद हॉट फ्लशेस होते हैं, तो हमें पता कब चला कि जब हमने सारे आफ्टर मेनोपॉज होता है 55 के बाद में, तो 55 के बाद की जो हमने वुमेन से उनसे बातचीत करी, ठीक है, तभी तो पता चला। तो पीयर का रिव्यू लेना है, फिर उसके जो साथी लोग रहे उनका भी रिव्यू लेना है कि जैसे नेचर कैसा है, कैसे बातचीत करता है, उसको क्या लक्षण हुए, क्या इसने कुछ दुख की बात बताई थी क्या। कंटिन्यू एजुकेशन, आपको पेशेंट को कंटिन्यू एजुकेट करना है, पेशेंट के घर वालों को भी करना है और पेशेंट को भी करना है, ठीक है, ये अपना स्टैंडर्ड है। डिजीज़ के बारे में समझाना है, सिम्टम समझाना है, आपको कहना है कि भाई ये भूत प्रेत की डिजीज़ नहीं है, ये साइकेट्रिक इलनेस है। आपको अगर पेशेंट ऐसा करेगा इसका मतलब ये थोड़ी आप उसे मार दोगे, आपको घर में, हाँ चलो ठीक है घर में रख सकते हो, पर आपको इसमें रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी कोलाब्रेशन, मतलब होता है इंटरडिसिप्लिनरी कोलाब्रेशन का मतलब होता है कि आपको अकेले काम नहीं करना है कि भाई हाँ नहीं मैंने नर्सिंग कर रखी है तो काम सारा मैं ही करूँगा, ठीक है मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ, नहीं आपको सब टीम को साथ में लेना है, एसीटी वाले को डिपार्टमेंट को साथ में लेना है, ब्लड टेस्ट वाले को साथ में लेना है, एक्सरे वाले को साथ में लेना है, मेडिकल ऑफिसर को साथ में लेना। और अगर अपने फील्ड से काम नहीं बनाए, अगर आर्ट्स वालों की ज़रूरत पड़े तो हाँ आराम से उनका भी साथ लो, अगर कॉमर्स वालों की कहीं नीड पड़े, अगर साइंटिस्ट की नीड पड़े, अरे अगर से गांव के सरपंच की ज़रूरत पड़े या अगर वार्ड पंच की ज़रूरत पड़े, जिसको भी जो नॉलेज है, अगर वेटरनरी की भी साथ में ज़रूरत पड़े तो साथ में शामिल करो, कोलाबरेट करो सबको, ठीक है अपना और उनका। अगर हमें आयुर्वेद की बात जानकारी पड़े तो हाँ आयुर्वेद भी करो, और अगर CID की ज़रूरत पड़े तो उसको भी करो, ठीक है भाई। अब ये मत पूछना CBI की पड़े तो, प्रधानमंत्री की पड़े तो, ऐसे क्वेश्चन में पूछना, हाँ उनकी पड़े तो फिर रहना देना, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ CS सिस्टम, CS मतलब कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम, कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम जो भी है उनको भी आपको यूटिलाइज करना है। आपको लेवल ऑफ देखना है कौन सा ये है, लेवल ऑफ डिजीज है, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी, क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी कहाँ होता है, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना, आपको ये देखना है। और ये सब मेरे हिसाब से आपने प्रिवेंशन किस में पढ़े, कम्युनिटी में, तो आपको कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम की भी आपको जरूरत लेनी है। और नेक्स्ट रिसर्च करनी है, अगर आपको पता ना चला कि ये बीमारी कैसी है, इसके शरीर में क्या हुआ, तो आपको उसकी रिसर्च करानी है, ठीक है साहब। ये कंप्लीट हो गया आपके स्टैंडर्ड, सेकंड चैप्टर इतना ही है, अब इसके बाद हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, उसके बाद डिजीज पोर्शन, फिर एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेशन ड्रग, ये सब बातें करेंगे। साथ साथ में आज से PDIA और साथ साथ में MSN भी स्टार्ट करेंगे, 25 डेज लास्ट लगेंगे, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप साथ साथ नोट्स बना के एक घंटे वीडियो देखते हो तो आई थिंक इट इज़ वेरी बेटर फॉर यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देख ही लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एक बार देख जरूर लेना, उस पर टिक कर लेना, ठीक है, क्या पता समय कैसा आ जाए, आज अगर हम हैं तो हम आपकी क्लासे ले सकते हैं, अगर कल हम नहीं रहे तो भी आपको इंपॉर्टेंट तो काम आएंगे, ठीक है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं पीडियाट्रिक के अंदर। और हाँ, सारा का सारा जो अपना कंटेंट रहेगा क्विक रिविजन का, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है क्विक रिविजन ऑफ, क्विक रिविजन फॉर एग्ज़ाम 2022, उस पर सारा कंटेंट पड़ा है। सीधा के सीधा आप उसका लिंक उठाओ और अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है अपने कॉलेजेस के, उनमें आप सेंड करो, अपने जूनियर्स को, अगर जो नए हैं उनको भी, अगर आप गाइडेंस के लिए पिछले जो वीडियो पढ़े उनको आप सेंड करो, ठीक है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप सभी का कर्तव्य निभाओ। चलो धन्यवाद।